भाई साहब विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। 22 जनवरी भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्या में विराज रहे हैं, यूं कहें कि अपने महलों में विराज रहे हैं। अब टाट से उठकर राम महल में जाएंगे। यह तीन युवा अररिया बिहार से प्रिंस अभिषेक और आपका नाम रॉकी, ये तीन दोस्त भाई एक गांव से पैदल यात्रा करके 16 दिन में अभी तक खैलाबाद पहुंचे हैं। मैं भी अयोध्या के लिए निकल रहा था तो इनसे मुलाकात हो गई। ठंड का मौसम है लेकिन आस्था और धर्म के प्रति प्रेम देखिए इन युवाओं का, मुझे लगा इनसे बात करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस मिश्रा हुआ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रॉकी कुमार गोस्वामी हुआ। आपका? अभिषेक कुमार गोस्वामी। अच्छा, तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग अररिया जिला के रहने वाले हैं जी। हम लोग का गांव का नाम पड़ता है हासा। अच्छा। और प्रखंड पड़ता है रानीगंज। अच्छा, तो कब से निकले हैं आप अयोध्या के लिए? हम लोग 30 दिसंबर को निकले हैं घर से। 30 दिसंबर को निकले हैं जी। आज कुल मिला के 14-15 दिन हो गया। 16 दिन हो गया जी। 16 दिन में आप लोग खैलाबाद तक पहुँच गए हैं। मुझे लग रहा है 19 तारीख तक जो है आप लोग अयोध्या पहुँच जाएंगे। 17 तक पहुँच जाएंगे। तो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके साक्षी बनेंगे आप लोग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, रॉकी जी मैं आपसे पूछता हूँ, मन में कैसे विचार आया था कि युवा है, पढ़े लिखे युवा है, आप लोग ग्रेजुएट हैं जैसा कि मैंने ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, कैसे मन में विचार आया कि पैदल अयोध्या जाना है? जी, एकाएक हम लोगों का मतलब मन में प्रेरणा आई कि हम लोगों को अयोध्या जाना है, तो फिर हम लोग मतलब सोचे कि हम लोग को पैदल ही जाना है, क्योंकि एक्चुअली मैं बाबा धाम बैजनाथ धाम झारखंड में पड़ता है और हमारे घर से झारखंड की दूरी 250 किलोमीटर होती है, जहाँ सुल्तानगंज से जल लेके बाबा धाम जाते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग आस्था मन में विश्वास इतना है कि हम लोग बाबा धाम की नगरी झारखंड हम लोग जो है देवघर कंटिन्यू 10 से 11 साल से कंटिन्यू जाते हैं और पैदल ही जाते हैं, और रास्ते में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद मिलती है, बाबा का याद आता है, महादेव को ध्यान करते हुए हम लोग पैदल जाते हैं। तो पैदल जाने में हम लोगों का एक प्रेरणा, एक मतलब मन में विश्वास बहुत ज़्यादा बना रहता है, भगवान स्मरण में हमारे मन में रहते हैं तो हमें आनंद होता है, आनंद मिलता है। तो इसलिए हम जो है कि सोचे कि हम लोगों को अयोध्या भी पैदल ही जाना है। कठिनाई तो जाने में होती ही है, मगर कठिनाइयों से मतलब जो है कि आनंद की प्रतीत होती है, क्योंकि भगवान का स्मरण ध्यान हमारे मन में होती है और विश्वास होता है, और धर्म हमें ये सिखाता है कि धर्म को की सेवा करने से हम संघर्ष, एक तरह से संघर्ष ही है धर्म का सेवा करना। जैसे हम लोग अभी अयोध्या के लिए जा रहे हैं तो एक संघर्ष ही कर रहे हैं, तो ये कर्म भी हमारा ऊपर जा सकता है। अगर इसी संघर्ष को हम अपने कर्मों में अगर व्याप्त करेंगे तो हमारा कर्म भी एक अच्छा बनेगा, क्योंकि धर्म हमें कर्म करने के लिए सिखाता है। तो ऐसे धर्म से हमें कर्म करने की भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम आगे कैसे सक्सेस करें, भविष्य में हम कैसे आगे बढ़ें, तो ये हमें धर्म भी सिखाता है। तो इसलिए हम लोगों को मतलब लगा कि हम लोग पैदल ही चलेंगे। और अयोध्या कितना मुश्किल था ये 15-16 दिन का जो सफर था, ताकि ठंड का मौसम है, मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा चलना, कंटिन्यू पैदल चलना, कितना मुश्किल था? जी, समस्या तो मतलब रास्ते भर आते रहती थी, मतलब अभी भी ठंड का मौसम है तो हम लोग सुबह जल्दी जग भी नहीं पाते हैं, जगते भी है तो काफ़ी ठंड लगता है, फिर भी हम लोग 6-6:30 बजे तक अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं, इसलिए कि ठंड के कारण हम लोगों को शाम से पहले कहीं रुक जाना पड़ता है। तो कोई जी आगे शाम से पहले हम लोगों को रुक जाना पड़ता है, और सामने कोई भी व्यवस्था किसी ना किसी माध्यम से प्रभु श्री राम के दूत ही हम समझते हैं कि कोई ना कोई व्यवस्था लगा ही देता है। मिल जाता जी है। कोई ना कोई मिल ही जाता है, जो रहने की व्यवस्था और खाने की भी व्यवस्था जी बिल्कुल। अभी तक हम 16 दिन में 2 ही दिन मतलब ऐसा हुआ है कि जहां हम लोग लाइन ढाबा में रूम लेके रहे हैं। अच्छा। 2 ही दिन बाद बाकी हम लोग 14-15 दिन मतलब कोई ना कोई मिल ही जाता है जहाँ रुकने का और खाने की व्यवस्था हम लोगों को राम भक्त करा ही देता है। कहीं ना कहीं भक्ति का भाव अंदर हो तो सेवा करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। एक और बात मैं जानना चाहूँगा, क्या पढ़ाई किया है आपने? जी, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हैं, ग्रेजुएशन हमने 2018 में कंप्लीट करा था। उसके बाद हमारा मतलब एक बिजनेस है, मैं किराना का दुकान करता हूँ और मैं उसी में अपना जो है कि रहता हूँ, और धर्म के साथ हमेशा। मैं भी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, आप? मैं, मेरा बी ए पार्ट 2 फाइनल है। अच्छा, घर वालों को जब बोले कि हम पैदल अयोध्या जाएंगे? जी, घर वाले को बोले तो घर वाले भी बोले कि ठीक है बेटा, तुम अगर जा सकते हो तो जाओ। इतना विश्वास है घर वाले को भी कि हम पूजा पाठ या धर्म में कभी भी मेरे माता पिता रोकते नहीं है। अच्छा। वो हमें हमेशा मनोबल हमारे बढ़ाते हैं कि धर्म करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, इससे तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तो माता पिता का सहयोग रहा है, उसने कहा है कि चलो तो हम निकले। एक और बात मैं जानना चाहूँगा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, तमाम पीढ़ियाँ इंतजार करती रहीं और शायद यह दिन देख नहीं पाए। मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत जो है भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि ये क्षण
हम सबके समय में आया है। भाग्यशाली तो हम लोग, सौभाग्य की बात है कि भाग्यशाली तो हम लोग हैं ही, सौभाग्य की बात है कि हम अपने नंगी आंखों से प्रभु श्री राम का 500 साल के बाद विराजमान होंगे हमारे भारत में और हम लोग उसे देख सकेंगे, उसका सौभाग्य प्राप्त करेंगे। न जाने कितने कार्य सेवकों ने इसके पीछे बलिदान दिया, कितने राम भक्तों ने कितनी कठिन परिश्रम करके प्रभु श्री राम को आज अपने टेंट से वापस घर में ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि प्रभु श्री राम 500 बाद जिस जो सृष्टि का रचा था, जिसने सृष्टि का निर्माण करा था, जो ने जिन्होंने हर किसी को घर दिया और वो घर में नहीं वो टेंट में विराजमान थे, और आज कृपा प्रभु की है, कृपा राम भक्तों की है, कार्य सेवकों की है, जो अनवरत प्रयासों से आज प्रभु टेंट से महलों के बीच आ रहे हैं। बहुत खुश हैं हम लोग, पूरे सनातन परिवार खुश है, पूरे विश्व में सनातन परिवार आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, और 22 तारीख का सबका इंतजार है और पूरे भारत दिवाली मनाएगा, पूरे सनातनी विश्व में जहाँ जहाँ है सब दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग ने हमें समय दिया। तो ये तीन भाई रॉकी, अभिषेक और प्रिंस अयोध्या यात्रा, पैदल यात्रा लगातार 16 दिनों से अररिया जिला से निकलकर पैदल यात्रा करके भगवान राम के 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेंगे, और ऐसे तमाम भक्तों से हम आप सबको मिलवाते रहेंगे। गांव वाले रिपोर्टर देखते रहिए, विष्णु भवागर का आप सबको नमस्कार।